वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गर्ल्स के लिए मेकअप इन्वेस्ट है। तो मेकअप ये है जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा कि गर्ल्स को दिवाली पे कैसे मेकअप और हेयर स्टाइल एंड ड्रेस पहनना चाहिए। तो अभी मैं हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप गर्ल्स हो और आप हेयर स्टाइल के लिए कंफ्यूज हो कि कैसे हेयर स्टाइल बनाए दिवाली पे, तो आप मैं आपको इजी ट्रिक्स और बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो पहले तो जिसके बाल स्ट्रेट है और अच्छे हैं उनके लिए बता देती हूँ। तो जिसके बाल अच्छे हैं स्ट्रेट हैं तो उनके लिए आपको, आप गर्ल्स हो तो आपको साइड से पार्टिंग कर लेनी है बालों की, ओके। देन आपको फ्रंट से बालों को इस तरीके से उठाना है। तो जिसके पहले अच्छे हेयर है उसको आपको हेयर स्टाइल, उसके लिए मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ। आपको यहाँ से साइड से ट्विस्टिंग करना है, फ्रंट से हेयर छोड़ने हैं ऐसे ही, ओके। बहुत ही इजी है, कोई भी बना लेगा इसको। और थोड़ा थोड़ा सा ग्रूम कर लीजिए। और ये आपने जो हेयर लिया है साइड में ले जाके टिकटे क्लिप की मदद से इसको सेट कर लीजिए। और ये आपका जो बैंग्स है इसको आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हो। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो ये ऑप्शनल है, हल्का सा बालों को एलोवेरा जेल वगैरह लेके भी सेट कर सकते हो, ओके। देन इसको ऐसे बैक साइड में छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको पतली सी लंबी सी लेयर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज ये भी ऑप्शनल है। तो यहाँ का तो हेयर स्टाइल आपको इस तरीके से बना लेना है। देन इस साइड पे आपको क्या करना है, इस साइड के सारे बालों को ऐसे पकड़ना है, देन यहाँ पे चोटी बना लेनी है। चोटी भी बना सकते थे ऐसे राउंड राउंड कर लो ऐसे ऐसे, क्योंकि खुद से तैयार होना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पार्लर में जाके आप इतना पैसा वैसा वेस्ट करो। इसको ट्विस्ट करते जाओ बैक साइड में ले जाके, इसको भी क्लिप से सेट कर दो। तो ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा आपके लिए अगर आप गर्ल्स हो तो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही हैवी और स्ट्रेट हेयर के लिए हैं, तो बहुत ही प्यारे लगेंगे ये वाला हेयर स्टाइल। सेकेंड हेयर स्टाइल में बता रही हूँ बंद रहेगा, कर्ली हेयर के लिए रहेगा। सेकेंड हेयर स्टाइल में क्या करना है, अगर आपके बाल बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, एकदम फ्लैट रहते हैं, कभी पफ नहीं बन पाता है, तो आपको बालों को ऐसे उठाना है यहाँ से, देन ऐसे करना है और आपको सेटिंग स्प्रे मार देना है। इससे क्या होगा कि आपके बाल यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे से पफ बन पाएगा। जैसे मैंने ये सेटिंग स्प्रे लिया है तो यहाँ पे बालों पे मार दीजिए। सेटिंग स्प्रे से क्या होता है, आप जैसे बालों को रखना चाहोगे वैसे रहेगा ये, ऐसे वैसे आप उठाते हो तो देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया। तो आपके अगर बाल बिल्कुल फ्लैट रहते हैं तो आप इस तरीके सेटिंग स्प्रे लो और आप इजीली अपने बालों में पफ बना सकते हो। तो वैसे आप क्लिप लगा दो, कुछ भी नहीं करना आपको सेटिंग स्प्रे मारने के बाद से 2 से 3 सेकंड या फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद से आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, आपके बालों में पफ बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये तो हो गया फ्लैट, जिसका फ्लैट हेयर रहता है बिल्कुल पफ नहीं बन पाता है उसके लिए सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल मैं कर्ली हेयर के लिए बताऊंगी। तो कर्ली हेयर वाले भी आप इस तरीके से पफ बना सकते हो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो भी आप पफ बनाओ अच्छा लगेगा। और साइड से थोड़े थोड़े लेयर्स निकाल लो और आप हाई बन बना लो, हाई बन पे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो ये तो मतलब सिंपल सा हो गया, हाई बन बना लो तो हो जाएगा। और एक और बता देती हूँ मैं कर्ली हेयर के लिए, हेयर के लिए आप बालों में इस तरीके से ट्विस्टिंग कर सकते हो पूरे बालों की, ओके। कर्ली स्ट्रेट फ्लैट इस तरीके से बेबी हेयर वाले भी ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो, यहाँ से आपको ट्विस्टिंग बनानी है। इस तरीके से आपने ट्विस्टिंग बना ली, सारे बालों को एक साइड में लेके आओगे
और ब्राइड बना दोगे। ओके, ये वाला हेयर स्टाइल आपको कर्ली हेयर के लिए बता देंगे। सिंपल चोटी बना लो, जो आप चोटी बना रहे हो तभी आपको थोड़ा थोड़ा हेयर ऐसे खींचते जाना है ताकि आपके बालों में वॉल्यूम सा दिखे। ओके, अगर आपके पास आर्टिफिशियल चोटी है तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हो। पूरा इस तरीके से खींचते जाओ, देन आपको यहाँ पे साइड में बन बनाना है। यू पिन की मदद से इसको चेक कर लो आप, यू पिन बॉबी पिन जो भी है आपके पास उससे आप इसको सेट कर लो। तो ये कर लीजिए, वालों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली आप बना लोगे। तीन चार यूपिन लगा लीजिएगा ताकि आपका हेयर फूल ना जाए। तो ये वाला हेयर स्टाइल कर्ली हेयर के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। आप चाहो तो ऐसे लेयर्स भी निकाल सकते हो। तो और अगर पिक्स वगैरह क्लिक करनी है तो उसके लिए भी बता दें। पिक्स क्लिक करना चाहते हैं तो बालों को ओपन रखो ऐसे करके, ऐसे एक पिक क्लिक कीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। और बहुत सारी आप अपने अपने हिसाब से पटियाला सूट पहने हैं तो उस हिसाब से, गाउन ड्रेस पहना है तो उस हिसाब से आप पिक क्लिक कर सकते हो। ओके, एक और हेयर स्टाइल है आपको यहाँ से थोड़े से हेयर लेने हैं, देन इसमें पतली पतली लेयर्स लेके छोटी बनानी है ब्राइड। तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको खोल लेना है, बैक साइड में लेके जाना है। यहाँ पे आपको क्लिप कर दो, यहाँ से भी आपको इसी तरीके से ब्राइड बनानी है। तो आई होप आप लोग को स्ट्रेट और कर्ली हेयर में हेयर स्टाइल बनाना इजी लगा हो मेरा ये वीडियो देख के। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। उस चैनल पर मैं लेके आने वाली हूँ दिवाली पे, हमने ड्रेस बहुत सारी ड्रेसें खरीदी हैं, क्या क्या खरीदा है सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ज़रूर जाइए और चेक कीजिएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को? आई होप कि अच्छा लग रहा हो और वीडियो भी हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।